हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, अब जो स्टूडेंट सबसे अधिक सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक इवेल्युएशन कर ली होगी कि उनके कितने मार्क्स नीट पे ये 2021 एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी रैंकिंग उनके आने वाले मार्क्स पे कितनी बन सकती है। क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुई है, तो ये फाइंड आउट करना, ये प्रिडिक्ट करना कि एग्जैक्टली रैंकिंग कितनी बन सकती है, ये बहुत ज़्यादा टफ है। बट स्टिल हमने थोड़ी कोशिश की है, जिस पर आपको ज़रूर ये आइडिया लगेगी कि आखिर आपके रैंक, आपके आने वाले मार्क्स में आपकी कितनी रैंकिंग बन सकती है, और उस बेसिस पे उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट होगी, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट रैंकिंग व्हेन द पैटर्न हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड। इवन अगर पैटर्न चेंज नहीं भी हुई होती तो भी रैंकिंग प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। बट स्टिल ऑन बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स, फैक्टर्स को देखते हुए, प्रीवियस एविडेंसेस को लेते हुए, लास्ट ईयर या उससे पहले के ट्रेंड को देखते हुए हमने रैंकिंग प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको ज़रूर ये आइडिया लग जाएगा कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उस पर आपकी कितनी रैंकिंग बन सकती है। अगेन आई एम सेइंग, ये रैंकिंग सटीक होने की कोई गारंटी नहीं है, ये थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 580 मार्क्स पे, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 580 आ रहे हैं उनकी रैंकिंग अप टू 3500 बन सकती है, अप टू 3500 बन सकती है। मतलब 580 मार्क्स पे जिस स्टूडेंट के 580 मार्क्स आ रहे हैं उनकी रैंकिंग 3500 तक बन सकती है। प्लस माइनस का 500 रैंकिंग का आप ज़रूर ऑप्शन रखना, इसमें ज़रूर एक बफर ज़रूर रखना इसमें। 520 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं उनकी जो रैंकिंग है वो अप टू 10,000 ऑल इंडिया रैंक बन सकती है। 500 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, अप टू 500 या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी रैंकिंग अप टू 13,000 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 490 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं उनकी रैंकिंग अप टू 16,000 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 480 मार्क्स या उससे ज़्यादा जिसके आ रहे हैं उनकी रैंकिंग अप टू 17,500 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 465 मार्क्स या उसके ऊपर जिनके आ रहे हैं उनकी रैंकिंग 21,000 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 450 मार्क्स पर रैंकिंग अप टू 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 430 मार्क्स पे जो रैंकिंग बन सकती है वो अप टू 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 418 मार्क्स पर रैंकिंग अप टू 33,500 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 410 मार्क्स पर रैंकिंग अप टू 37,200 ऑल इंडिया रैंक पर तक बन सकती है। 400 मार्क्स जिनके आ रहे हैं उनकी रैंकिंग अप टू 39,000 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 385 मार्क्स जिनके आ रहे हैं उनकी रैंकिंग अप टू 45,000 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 380 मार्क्स जिनके आ रहे हैं उनकी रैंकिंग अप टू 46,000 ऑल इंडिया रैंकिंग तक बन सकती है। 370 मार्क्स जिनके आ रहे हैं उनकी रैंकिंग अप टू 49,500 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 350 मार्क्स जिनके आ रहे हैं उनकी रैंकिंग अप टू 52,500 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। 340 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की रैंकिंग अप टू 58,000 ऑल इंडिया रैंकिंग तक बन सकती है। 330 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की रैंकिंग अप टू 60,500 ऑल इंडिया रैंक तक बन सकती है। और इसके नीचे फिर जाते जाएंगे तो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी वो अप टू 240 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 200 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाइंग कट ऑफ रह सकती है। सो आई होप ये जो मैंने एक रैंकिंग की, जो रैंकिंग और मार्क्स के बेसिस पे जो रैंकिंग बनाया है, ये ज़रूर कुछ एविडेंस हैं, कुछ लास्ट ईयर की ट्रेंड है 2019 से किस तरीके के चेंजेस आई थी 2020 में, 2020 के कंपैरिजन में 2021 में किस तरीके की चेंजेस आए, उन चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है। अगेन आई एम सेइंग कि ये पूरी तरीके से ऐसा पॉसिबल है कि ये एग्जैक्ट नहीं होगी, राइट? सो इसमें थोड़ा बफर आपको रखना होगा, थोड़ी रेजिस्टेंस आपको रखनी होगी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक और बात, अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग करियर मीडिया से लेना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर फ्री, विच विल बी ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन 1-to-1 काउंसलिंग के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यू हैव टू जस्ट फिल अप दैट फॉर्म, और जब आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो करियर मीडिया की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी फॉर रिजर्विंग योर स्लॉट, आपकी स्लॉट रिजर्व करने के लिए। जब भी आप फ्री रहेंगे
उस वो टाइम आप करियर मीडिया से शेयर कर सकते हैं, जिस वजह से वो टाइम आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो टाइम स्लॉट आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उस समय में जो आप जिस समय आप फ्री रहेंगे उस समय में जो स्लॉट आपको अलोकेट की जाएगी उस स्लॉट में करियर मीडिया के तरफ से जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी गूगल मीट के थ्रू, जिसमें गूगल मीट के थ्रू फिर आप जो है सो अपने क्वेरीज अपने डाउट्स जो हैं वो करियर मीडिया की टीम से क्लियर कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांटेड टू हैव दिस वन टू वन ऑनलाइन काउंसलिंग विच इज़ एज आई सेड इज़ नॉट पेड, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। यू हैव टू जस्ट फिल अप द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन बुक योर स्लॉट बाय गिविंग अस अ कॉल फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। सो आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।